गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेरिडोफाइटा के वर्ग स्पिनोप्सिडा के सामान्य लक्षणों एवं उसके उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हमने टेरिडोफाइटा के दो वर्ग साइलोप्सिडा व लाइकोप्सिडा के लक्षण व उदाहरणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में स्पिनोप्सिडा के लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। स्पिनोप्सिडा वर्ग का विकास पेलियोजोइक एरा के कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। वर्तमान में इस वर्ग का एकमात्र जीवित वंश इक्विसिटम है। दैट मींस इस वर्ग के बाकी सभी सदस्य वंश विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एकमात्र जीवित वंश है उसका नाम है इक्विसिटम, जिसे हम सामान्यतया हॉर्स टेल्स के नाम से भी जानते हैं। और हॉर्स टेल्स नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि ये दिखने में घोड़े की पूंछ की आकृति का होता है। बीजाणुद्भिद जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है, जो पानी के आसपास नमी वाले इलाकों में हमें देखने को मिलता है। इसकी जड़ें अपस्थानिक एडवेंटिशियस प्रकार की होती हैं। इनका तना संधित अर्थात आर्टिकुलेटेड अनुदैर्ध्य उभार व खांच युक्त शाखित होता है, अर्थात इसके तने पर संधियां पाई जाती हैं। ये एक जॉइंटेड प्लांट भी है, जॉइंट्स से निर्मित होता है, टुकड़ों से बना होता है। इसमें स्पष्ट नोड व इंटरनोड पाए जाते हैं, स्पष्ट पर्व व पर्व संधियां मिलती हैं। प्रत्येक पर्वसंधि पर अनेक छोटी व शल्की पत्तियों का एक चक्र होता है। स्केली पत्तियां पर्वसंधियों पर अर्थात नोड्स पर चक्र के रूप में, स्केली लीव्स चक्र के रूप में पर्वसंधियों पर पाई जाती हैं, जिनका काम होता है सुरक्षा करना। इनका काम भोजन निर्माण करना नहीं होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। पादप के सभी भागों में संवहन ऊतक पाया जाता है, वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है। तने में ठोस रंभ यानी कि प्रोटोस्टील तथा नाल रंभ साइफोनोस्टील पाए जाते हैं। शाखाएं पर्वसंधि पर उपस्थित सल्की पत्तियों के कक्ष से विकसित होती हैं। हमने देखा कि प्लांट अनुदैर्ध्य उभार व खांचयुक्त शाखित होता है, तो ये जो शाखाएं हैं वो स्केली लीव्स के कक्ष से एक्सेस से विकसित होती है। बीजाणु धानी का विकास बीजाणु पर्णों पर होता है। बीजाणु पर्ण यानी स्पोरोफिल्स समूह में ग्रुप में अरेंज्ड होकर एक लंबा तथा कॉम्पैक्ट डेंस शंकु बनाते हैं। ये शंकु एरियल स्टेम वाइवी तने के टॉप पर यानी शीर्ष भाग पर बनता है एवं जिस तने पर शंकु या कोन बनता है उस तने को बीजाणुधानीधर स्पोरेंजियोफोर भी कहते हैं। इस वर्ग के पादपों में बीजाणुपर्ण व शल की पत्तियां अलग अलग होती हैं। स्केली लीव्स तने पर होती हैं तथा अप्रकाश संश्लेषी होती हैं, अर्थात भोजन का निर्माण नहीं करती हैं, जबकि ट्रोपोफिल्स इसमें होती ही नहीं है, अब्सेंट होती है। तो भोजन का निर्माण कौन करेगा? भोजन का निर्माण यानी फोटोसिंथेसिस का कार्य यंग ग्रीन तने द्वारा किया जाता है, युवा तने द्वारा किया जाता है। इस वर्ग के पादप समबीजाणुक होमोस्पोरस होते हैं। हमें पता है होमोस्पोरस पादप वे होते हैं, समबीजाणुक पादप वे होते हैं जो समान प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करते हैं एवं विषम बीजाणु पादप वे होते हैं जो दो अलग अलग एक छोटे व दूसरे बड़े प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो इस वर्ग के पादप सम बीजाणु होते हैं, अर्थात एक ही तरह के बीजाणु बनाते हैं। ये बीजाणु बीजाणुधानी में बनते हैं एवं जब ये बीजाणुधानी से बाहर निकलकर जमीन पर गिरते हैं, नमी में गिरते हैं, अवशोषित करते हैं नमी को, तब ये अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर हमें पता ये क्या बनाते हैं, युग्मकोद्भिद हैप्लोइड गैमेटोफाइट बनाते हैं, युग्मकोद्भिद बनाते हैं जो हरा तथा स्वपोषित होता है। ये एक बहुत विशेष बात है,
इसमें जो युग्मक युग्मक उद्भिद होता है वो इंडिपेंडेंट में ग्रीन होता है, अपना भोजन वो खुद बनाता है, बीजाणु उद्भिद पर आश्रित नहीं होता है। एवं इस युग्मक उद्भिद पर जननांग अंथ्रिडिया यानी कि पुंधानी व आर्किगोनिया यानी कि स्त्रीधानी लगते हैं। इसमें बनने वाले पुंबणु बहुकशाभिक होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बहुकशाभिक होते हैं। इसका एकमात्र उदाहरण है एक्विसिटम, जिसका सामान्य नाम है होस्टेल्स, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है इसका सामान्य नाम, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्विसिटम के तने तथा पत्तियों के अधिचरण पर सिलिका का आवरण पाया जाता है, सिलिका रफ होती है, खुरदरी होती है, इस कारण इन पौधों की पत्तियां भी खुरदरी व रफ होती हैं। और गर्मियों में जब इनके पौधे सूख जाते हैं, जंगल भी सूख जाता है और सूखे पत्ते नीचे रहते हैं जमीन के ऊपर, तब इन दो पौधों यानी कि हॉर्सटेल या एक्विसिटम के दो पौधों के आपस में रगड़ लगने से, टकराने से चिंगारियां निकल सकती हैं और उससे जंगल में आग भी लग सकती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली क्लास टेरोप्सिडा के सामान्य लक्षणों एवं उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।